नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आपको अपने आसपास के एरिया का पोल्यूशन लेवल चेक करना है, बेहद आसान है। अब देश के हर बड़े शहर का पोल्यूशन लेवल बस एक क्लिक पर चेक होगा। दिल्ली एनसीआर की गिरती एयर क्वालिटी और बढ़ते प्रदूषण पर मचे हो हल्ले के बीच पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इससे बचाव के लिए समीर ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह आपको देश भर के विभिन्न शहरों में पॉल्यूटेड एरिया के बारे में पूरी जानकारी देगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इस समीर नाम के ऐप में रेड मार्क के जरिए भारी प्रदूषण वाले इलाके की पहचान आसानी से की जा सकेगी। हमारे भी काम है, समस्या तो पहले से है, लेकिन 2015 में मोदी सरकार ने पहली दफा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया। एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम इज द बिगिनिंग ऑफ सॉल्यूशन, एंड देयरफॉर ये लॉन्चिंग नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इज ए वेरी बिग इंपॉर्टेंट स्टेप। एंड आई जस्ट शो टुडे आई अपील दैट यू ऑल्सो डाउनलोड दिस एप समीर SAMEER। Samir app will show you the complete information on pollution in various cities, and you will find that this is the area, Gangetic belt, where there is heavy pollution, it is red marked. जावड़ेकर ने आगे कहा कि देश में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है। अभी देश में 2,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल दौड़ रहे हैं। आने वाले वक्त में ये वाहन और लोकप्रिय होंगे। जावड़ेकर ने कहा कि वो खुद ई वाहन का इस्तेमाल करते हैं और दूसरों से भी ऐसा ही करने की सलाह भी दी ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ दूरी के लिए वाहन का प्रयोग ना करें क्योंकि वायु प्रदूषण से निपटने में लोगों की बड़ी भूमिका है। इसमें लोगों का भी सहभाग महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारा वाहन हम अच्छा मेंटेन करें, नजदीक के काम हम साइकिल से करें, कभी पैदल चले, हर बार गाड़ी निकालना कोई जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लें और उससे करें, और सार्वजनिक यातायात के साधनों से हम प्रवास करें, ये सब हमारे भी काम है। जावड़ेकर ने यह भी बताया कि खराब हवा के दिनों की संख्या भी कम हुई है। ये 2016 में 250 दिन थे जो 2020 में 180 दिन रह गए हैं। वहीं जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली NCR में प्रदूषण की वजह भूगोल और पराली की समस्या भी है। लेकिन एक मैं बताना चाहूंगा कि जब हम सत्ता में आए 2014 में, तो 2016 से ये गिनती शुरू हुई है, तो 2016 में 250 दिन खराब हवा के होते थे दिल्ली NCR परिसर में। आज 180 दिन रह गए हैं, 70 दिन कम हुए, और 70 दिन अच्छी हवा के बढ़े, तो आज लगभग 6 महीने प्रदूषण रहता है, 6 महीने नहीं रहता है, और उसमें 40 दिन ऐसे आते हैं जब पराली भी ऐड करती है। तो ये दिल्ली NCR की समस्या है, यहाँ की भूगोल भी एक विशेष समस्या है। बता दें कि इस समीर ऐप को केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने तैयार किया है जो एयर क्वालिटी की जानकारी लोगों को देगा। 100 से ज्यादा शहरों में पोल्यूशन के लेवल और हवा की क्वालिटी की जानकारी इस ऐप के जरिए मिलेगी। इतना ही नहीं, इस ऐप की मदद से लोगों को अपनी शिकायत दर्ज करवाने में भी मदद मिलेगी। इस ऐप के जरिए लोग कूड़ा निस्तारण, सड़कों पर धूल, गाड़ियों और अन्य चीजों से होने वाले प्रदूषण की शिकायतें केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड से कर सकते हैं और उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। मंत्री ने लोगों से अपील की कि वो अलग अलग शहरों में प्रदूषण की निगरानी के लिए केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समीर ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।